सिंघम अगेन के ट्रेलर के स्टार्टिंग में सिंघम जम्मू कश्मीर गया है जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर ओमार हफीज को पकड़ने के लिए, और वो उसको पकड़ भी लेता है। और जैकी श्रॉफ अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के बारे में सिंघम को बताता है। अब अर्जुन कपूर उसका रिलेटिव भी हो सकता है या फिर कोई और दूसरा विलन जिसको सिंघम से बदला लेना है। और फिर हम करीना कपूर के कैरेक्टर अवनी को देखते हैं जो कि रामलीला ऑर्गेनाइज करती है, और सिंघम एंड अवनी का एक बेटा भी है। और यहाँ पर ये एस्टेब्लिश होता है कि सिंघम अगेन रामायण के फॉर्मेट को फॉलो करने वाली है, जहां पर अवनी का किडनैप अर्जुन कपूर करेगा और उसको श्रीलंका लेकर जाएगा, और कैसे सिंघम और उसकी टीम अवनी को वापस लेने जाएगी। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली है, और इसके हिंट्स हमको आगे ट्रेलर में भी देखने मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अवनी का किडनैप कहाँ पर हुआ है, तो वो तमिलनाडु में ही हुआ है, जहां पर वो टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर के घर गई थी, क्योंकि इस सीन में हम अवनी को टाइगर की माँ के साथ बात करते हुए देखते हैं। और पीछे हम वही मंदिर देखते हैं जिसके सामने डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर के कैरेक्टर ने उनका किडनैप किया है। और फिर सिंघम अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते तमिलनाडु आता है, और उसको पता चलता है कि अवनी अभी श्रीलंका में है। और ये सेम है जैसे लॉर्ड राम माँ सीता को ढूंढते ढूंढते नॉर्थ इंडिया से ट्रेवल करके साउथ इंडिया पहुंचे थे, और उनको पता चलता है कि माँ सीता श्रीलंका में है। और जैसे माँ सीता ने अपनी ज्वेलरी को गिराया था एज अ क्लू कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, वैसे ही सिंघम को अवनी की एक बैंगल मिलती है जिससे कि उसको पता चले कि अवनी के साथ क्या हुआ है। और फिर डेंजर लंका ने दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर शक्ति शेट्टी फ्रॉम तमिलनाडु उसके पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, और उसने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और फिर शक्ति शेट्टी को हम उनके अंतिम संस्कार में देखते हैं जब वो सिंघम के सामने रो रही होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी टीम को खो दिया है, शायद से कोई रिलेटिव भी उसमें मर गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति शेट्टी जिसको लेडी सिंघम भी कहा गया है उसकी एक फाइट सीन होने वाली है जब डेंजर लंका ने अटैक किया हो, और उसके साथ सिंघम की भी एक फाइट सीन हो सकती है तमिलनाडु में, क्योंकि दो सीन्स में सेम कपड़ों में हम सिंघम को फाइट करते हुए देखते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो एक फाइट सीन कंफर्म्ड है, और जिन गुंडों को शक्ति शेट्टी ने पकड़ा है वो शायद से डेंजर लंका के लिए काम करते होंगे, और उसने अटैक इसलिए भी किया होगा क्योंकि वो सिंघम को अपना गुरु मानती है, और टाइगर के घर पर भी गुंडों ने अटैक किया है। और नेक्स्ट सीन इसके स्टोरी को और एक्सपांड करता है क्योंकि रवि किशन एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा है, और सिंघम ने सजेस्ट किया है एक कोवर्ट ऑपरेशन करने के लिए इन श्रीलंका, और ये ऑपरेशन एक बड़े स्केल पे होने वाला है क्योंकि हम आगे नेवी एंड आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं। तो हाई चांसेस ये है कि डेंजर लंका ने एक बड़ा अटैक प्लान किया होगा इंडिया के ऊपर, और उसके साथ साथ उसने अवनी को भी किडनैप किया है, तो फिल्म में सिंघम एंड टीम को उस अटैक को रोकना भी होगा और अवनी को बचाना भी होगा। और इसी चक्कर में फिल्म में दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने लेकर आती है। सबसे पहले ये है कि ये मिशन इस फिल्म में ही कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये मिशन का एक हिस्सा इनकम्प्लीट रहेगा जो कि कॉप यूनिवर्स के नेक्स्ट मूवी में कंटिन्यू होगा एक नए विलन के साथ, और उस टाइम सिंघम एंड टीम को ज्वाइन करेंगे सलमान खान एस चुलबुल पांडे फ्रॉम दबंग का कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाई देंगे सिंघम के साथ। और फिर सिंघम ओमार के पास फिर से जाएगा उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और जो दया का फाइट सीन होने वाला है वो अवनी के किडनैप होने से पहले का सीन हो सकता है, और शायद से दोनों बच जाएंगे। और जब सिंघम श्रीलंका पहुंचेगा तब वो उस मंदिर में प्रे करने के लिए गया होगा कि उसको कोई तो क्लू मिले कि अवनी की लोकेशन क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिम्बा का ही कैरेक्टर होगा जो कि अवनी को सबसे पहले ढूंढेगा और सिंघम को बताने के लिए वहां पर आएगा, क्योंकि सिम्बा को लॉर्ड हनुमान का दर्जा दिया गया है, और लॉर्ड हनुमान ने ही सबसे पहले माँ सीता को श्रीलंका में देखा था। और फिर ये रात के डॉकयार्ड वाले सीन में सिंघम एंड सिम्बा एक कार में जा रहे होते हैं कि अचानक से अवनी और कुछ गुंडे वहां पर होते हैं, और उसी चक्कर में कार का बैलेंस चला गया और वो क्रैश कर जाते हैं। और यहाँ पर सिम्बा जिसको बुला रहा है डेंजर लंका के सामने वो सिंघम का कैरेक्टर है जो कि उस फैक्ट्री में है, और वहां पर सिम्बा एंड सिंघम
वर्सेस डेंजर लंका के गुंडों का फाइट सीन होगा और फिर पूरा क्लाइमैक्स का फाइट सीन एक शिपिंग डॉकयार्ड पे होगा, जहां पर क्लाइमैक्स में सूर्यवंशी आएगा उनकी हेल्प करने के लिए और पूरी टीम अवनि को बचा लेगी और विलन को हरा देगी। तो रामायण के सीन्स जो कि हमको देखने मिलने वाले हैं वो अवनि के रामलीला के ही है, जो कि इंटरकट किए गए हैं इस फिल्म के कैरेक्टर के साथ, जहां पर अजय देवगन लॉर्ड राम है, करीना कपूर माँ सीता है, रणवीर सिंह लॉर्ड राम है, अक्षय कुमार जटायु है, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण है, अर्जुन कपूर रावण है, लेकिन दीपिका पादुकोण को लेडी सिंगम कहा गया है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है कि दीपिका को रामायण का रेफरेंस दिया ही नहीं गया है किसी रीजन की वजह से, या फिर दिया गया है लेकिन उसको छुपा कर रखा है, और अगर दिया गया है तो वो अंगद, विभीषण, सुग्रीव या फिर कोई और रामायण कैरेक्टर भी हो सकता है। तो आपकी क्या थ्योरीज है सिंगम अगेन के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।